नमस्कार, एसटीवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार पहुंचे मोतिहारी, जदयू कार्यालय स्थित शहीद जगदेव प्रसाद के तैलचित्र पर किया माल्यार्पण। पूर्वी चंपारण के रक्सौल एयरपोर्ट को लेकर बैठकों का दौर जारी, उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार के अधिकारी पहुंचे मोतिहारी, जिला प्रशासन के साथ हुई अहम बैठक। भूमि सर्वे को लेकर बंसरिया स्थित चैलाह पंचायत भवन में आम सभा का किया गया आयोजन, अधिकारियों द्वारा लोगों को दी गई अहम जानकारी। चकिया में 8 फरार अभियुक्तों के घर पर पुलिस ने चिपकाए इश्तेहार, 2 दिनों के अंदर न्यायालय हाजिर नहीं हुए तो की जाएगी घर की कुर्की जब्ती। माउंट लिटराज स्कूल में शिक्षक दिवस का किया गया भव्य आयोजन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पुष्प अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि। आर्य विद्यापीठ स्कूल मोतिहारी में छात्र एवं छात्राओं ने पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया टीचर्स डे। शिक्षा जगत से जुड़े कई महत्वपूर्ण शख्सियतों के सामने स्कूल के बच्चों ने दी शानदार प्रस्तुति। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार आज मोतिहारी पहुंचे, जहां जदयू कार्यालय में शहीद जगदेव प्रसाद के तैलचित्र पर माल्यार्पण किया। मंत्री श्रवण कुमार ने तेजस्वी यादव के बिहार के विभिन्न जिलों में होने वाले यात्रा को लेकर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव और उनके कार्यकर्ता केवल मारपीट और समाज में तनाव पैदा करने वाले बातें करते हैं। इन लोगों से बिहार के लोगों का भला होने वाला नहीं है। यह लोग हमेशा यही चाहते हैं कि समाज में तनाव बना रहे, आपसी भाईचारा कम हो, लोग एक दूसरे के साथ लड़ें, यही उनकी कोशिश रहती है। राजद और उनके कार्यकर्ताओं का नेचर और सिग्नेचर बदलने वाला नहीं है, बल्कि यह लोग समाज को तोड़ने का काम करते हैं। बिहार की जनता अमन शांति चाहती है, इसलिए किसी भी तरह की यात्रा उनके नेता और उनके कार्यकर्ता निकाल लें, बिहार की जनता का भला नहीं होने वाला है। बिहार की जनता का भला होने वाला नहीं है। पुण्यतिथि और जन्म दिन उन्हीं के मनाई जाती है जिन महापुरुषों ने कुछ समाज के लिए किया है, लोगों ने किया है, लोगों को रास्ता दिखाया है। तो जगदेव बाबू समाज में जो शोषित है, पीड़ित है, जो दबे थे, कुचले थे, जिसका कोई सहारा नहीं था, उनका सहारा बनकर वो काम करते थे। जगदेव बाबू के जो अधूरे काम थे उनके सपनों को हम साकार करेंगे, इसलिए सभी पॉलिटिकल पार्टी इस काम को करती है। नेचर और सिग्नेचर जल्दी नहीं बदलता है। पूरा बिहार, पूरा देश जानता है कि राजद के जो कार्यकर्ता है उसमें जो अनुशासन की कमी है उसको लोग पसंद नहीं करते हैं। पूर्वी चंपारण के रक्सौल में बनने वाले एयरपोर्ट को लेकर उड्डयन मंत्रालय और जिला प्रशासन काफी एक्टिव मूड में नजर आ रहा। काबिले जिक्र है कि केंद्र की मोदी सरकार ने उड़ान योजना के तहत रक्सौल एयरपोर्ट को चुना है और इस एयरपोर्ट के निर्माण हो जाने से यात्री दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलोर के लिए डायरेक्ट उड़ान भर सकेंगे। वहीं नेपाल, बेतिया, मोतिहारी, बगहा के साथ साथ उत्तर बिहार के लोगों को काफ़ी फायदा मिलने वाला है। इसको लेकर उड्डयन मंत्रालय के अधिकारी आज मोतिहारी पहुंचे। मोतिहारी में जिला प्रशासन की टीम के साथ उन्होंने बैठक की और एयरपोर्ट की डिज़ाइन, जमीन का अधिग्रहण सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि रक्सौल में एयरपोर्ट बनना है, इसको लेकर उड्डयन मंत्रालय के पदाधिकारी और जिला प्रशासन की टीम लगातार बैठक कर रही है। जो भी आवश्यक निर्देश होगा उसका पूरा पालन किया जाएगा। डिजाइन के अप्रूवल मिलते ही जमीन अधिग्रहण का काम भी तेज गति से किया जाएगा। रक्सौल हवाई अड्डे का कार्य जिले की महत्वपूर्ण प्राथमिकता में है और उसकी बाउंड्री काफी पार्ट की ऑलरेडी हो चुकी है। कुछ इसमें हमको अतिरिक्त अधिग्रहण करना है, जिसके लिए डिजाइन एयरपोर्ट अथॉरिटी फाइनल कर रही है। जैसे ही फाइनल हो जाएगा हम लोग अधिग्रहण की प्रक्रिया में जाएंगे और उसके बाद वहाँ पर अग्रता कार्रवाई एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा की जाएगी। अधिकारी लोग भी सब निरीक्षण कर रहे हैं? हाँ, उनके अधिकारी आ गए हैं, हमारे अधिकारी भी आ गए हैं, सबने जाँच कर लिया, देख लिया है और सूटेबल पाया गया है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। जितना भी सहयोग हम लोगों से जिला स्तर से हो, बिहार सरकार से हो, हम लोग करेंगे।
बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम आजकल जोरों पर चल रहा है। इसको लेकर आज मोतिहारी के बंजरिया प्रखंड अंतर्गत चलाहा पंचायत भवन में एक आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा के दौरान अधिकारियों द्वारा भूमि सर्वे को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। जिला मुख्यालय से आए नोडल पदाधिकारी सुनील कुमार ने लोगों को सर्वे के बारे में विभिन्न जानकारियां दी। आगे उन्होंने बताया कि किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके पास जो पेपर उपलब्ध है उसी पेपर के माध्यम से आपके भूमि का सर्वे हो जाएगा। आगे उन्होंने बताया कि यह भूमि का विशेष सर्वेक्षण चल रहा है, जो भी फॉर्म आया है उसकी अच्छे से जानकारी लेकर और उसे भरकर संबंधित अधिकारी को प्रपत्र जमा करा दें, ताकि अधिकारी आपके जमीन पर अमीन को भेजकर विशेष सर्वेक्षण का काम कर ले। वही मौके पर सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी ओम प्रकाश, अमीन शालिनी पांडे, चलाहा पंचायत के मुखिया पति जिक्रुल्ला एवं काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। पूर्वी चंपारण जिले के चकिया थाना अंतर्गत कोयला बिलवा के बखरी गांव के एक युवक के हत्या में शामिल 8 फरार अभियुक्तों के घर पर पुलिस ने बुधवार को न्यायालय का इश्तेहार चिपकाया है। इस अवसर पर पुलिस ने डुगडुगी बजवाकर लोगों को जानकारी दी कि 2 दिन में सभी अभियुक्त अगर न्यायालय में हाजिर नहीं होते हैं तो उनके घर की कुर्की जब्ती कर ली जाएगी। जिन हत्या में शामिल अभियुक्तों के घर पर न्यायालय का इश्तेहार चिपकाया गया है उनमें बांसघाट कोहिया गांव के अब्दुल्ला अंसारी, जैनुल्ला अंसारी, वसीम अकरम, साहिल मंसूरी, अरमान मंसूरी, सरफराज अंसारी, बिकाऊ मियाँ उर्फ अकबर मियाँ और सज्जाद आलम शामिल हैं। बता दें कि बीते मुहर्रम के दिन बांसघाट बाजार से मुहर्रम का मेला देखकर लौट रहे कोयला बेलवा के बखरी गांव निवासी अरबाज आलम और उसके चचेरे भाई आजाद अली को इन अभियुक्तों ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इसी बीच इलाज के दौरान अरबाज आलम की मौत हो गई थी। इस संबंध में इंस्पेक्टर सह थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि पुलिस द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी की जा रही थी, लेकिन सभी अभियुक्त अब तक फरार हैं। पुलिस ने सभी अभियुक्तों को न्यायालय में समर्पण के लिए इश्तेहार उनके घर पर चिपकाया है। मौके पर इंस्पेक्टर सह थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार के अलावा PSI मोहम्मद अफजल, सानू गौरव, मौसम कुमार सहित अन्य पुलिस के लोग शामिल थे। अनुसार साहिल मंसूरी, पेशर असगर मंसूरी, ठीक है, वसीम अकरम, पेशर अलाउद्दीन अंसारी, नेतुल अंसारी, पेशर इंद्रजीत अंसारी, इंद्री संदा अंसारी, अब्दुल्ला अंसारी, पेशर इंद्रीस अंसारी, सरफराज अंसारी, पेशर आसिक अंसारी, सज्जाद आलम, पेशर सिराज आलम, बिकाऊ मियाँ उर्फ अकबर मियाँ, अरमान मंसूरी, पेशर असगर मंसूरी, इन सभी को न्यायालय द्वारा, माननीय न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया है, आप 2 दिनों के भीतर या तो माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दें, नहीं तो आपके घर की विधिवत कुर्की की जाएगी। कुर्की कैसी होगी ये आपको भी पता है। मोतिहारी के भरौलिया बाजार स्थित माउंट लिटराजी स्कूल में आज शिक्षक दिवस बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत आए हुए मुख्य अतिथि के रूप में विद्यालय के चेयरमैन संजय कुमार गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम कुमार गुप्ता तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य मनोज कुमार अग्निहोत्री के द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पुष्प अर्पित कर उनकी वंदना से हुई। इसके बाद विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों के द्वारा विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन करने के बाद की काटा गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य मनोज कुमार अग्निहोत्री ने शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर बताया कि हम अपने जीवन जीने का तरीका अपने गुरु से ही सीखते हैं। इस कार्यक्रम का संचालन वर्ग 10वीं की अपाला एवं 12वीं की दीक्षा जायसवाल के द्वारा किया गया। कार्यक्रम को सुसज्जित एवं अनुशासित तरीके से संपन्न कराने में विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों की भूमिका अहम रही। सबसे पहले तो मैं प्रकाश जी, STV न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और मैं शुभम गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर माउंट लिटराजी स्कूल मोतिहारी, सभी शिक्षकों को देश विदेश, भारत, मोतिहारी जिला के सभी शिक्षकों शिक्षिकाओं को मैं अपना हर्षोल्लास के और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षक बिना बच्चों के खाली हैं और बच्चे से ही शिक्षक बनते हैं। शिक्षक एक ऐसा पहलू है कि बच्चों को संवारता है, उनको निखारता है और उनके ज़िंदगी को बनाता है। तो सभी शिक्षकों को मेरा हार्दिक प्रणाम है और शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप ऐसे ही निरंतर शिक्षा बांटते रहें और ज्ञान का सागर बनते रहें। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज मोतिहारी के बाल गंगा स्थित आर्य विद्यापीठ स्कूल में आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म दिवस को छात्र एवं छात्राओं ने पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सार्थक संवाद यूपीएससी कोचिंग संस्थान पटना के निदेशक कुमार सर्वेश उपस्थित थे। वहीं मौके पर बतौर विशिष्ट अतिथि पटना हाई कोर्ट के वकील सह शिक्षाविद रोशन प्रकाश, केबीसी के लिए सवाल तैयार करने वाली प्रसिद्ध लेखिका अर्चना शर्मा भी मौजूद थीं। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की तस्वीर पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसके बाद मौके पर मौजूद अतिथियों ने शिक्षा पद्धति पर प्रकाश डालते हुए अपनी बात रखी। टीचर्स डे पर स्कूल कैंपस में एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें आर्य विद्यापीठ स्कूल के बच्चों ने अपना परफॉर्मेंस से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों में एसटीवी न्यूज के संस्थापक अंसारुल हक, रंगमंच से जुड़े अभय अनंत, सागर सूरज एवं सामाजिक कार्यकर्ता अजय आजाद आदि ने कहा कि आज की जरूरत है कि हम मुख्य विषयों के साथ साथ चारित्रिक निर्माण पर भी बल दें। उन्होंने कहा कि एक सभ्य सुशोभित एवं संस्कारी समाज का हम गठन करें और इस कार्य में हम शिक्षकों का एक अहम भूमिका है। अपने भाषण में आर्य विद्यापीठ के अध्यक्ष डॉक्टर एसपी सिंह ने कहा कि शिक्षित समाज के गठन में शिक्षकों की भूमिका अतुलनीय रही है। वहीं स्कूल के निदेशक रंजीत कुमार ने डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन वृत्त को विद्यार्थियों के बीच रखा और कहा कि एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भारत के सर्वोच्च पद तक सुशोभित करने वाले उस महान व्यक्तित्व का आज हम जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं। हर शिक्षक को डॉक्टर राधाकृष्णन के नक्शे कदम पर चलकर समाज और देश का बहुमुखी विकास करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। मेरे विचार से जो शिक्षक दिवस है, इससे बड़ा कोई कार्यक्रम स्कूल के लिए हो ही नहीं सकता। सो हम लोग एनुअल फंक्शन वगैरह अब उस पर नहीं करते हैं। सबसे बड़ा फंक्शन जो मेरे लिए होता है स्कूल में, टीचर्स डे होता है, जिसमें हम सभी को सम्मानित कर, सिर्फ टीचर नहीं बल्कि जो हमारे हाउसकीपिंग स्टाफ से लेकर ऊपर सबको सम्मानित करना, थैंक यू बोलना उनको कि वो समय दे रहे हैं। प्लस हमने काफ़ी सारे गेस्ट को बुलाया है, शिक्षाविद को कुमार सर्वेश को आपने सुना, अभी और भी हैं जो उनको आप सुनेंगे। तो अब जितने भी लोग हैं सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ, और समाज में जितने भी पेरेंट्स हैं, समाज हैं, मीडियाकर्मी हैं, मैं यही बोलूँगा कि जो सम्मान आप लोग ख़त्म कर चुके हैं शिक्षक का, उस सम्मान को वापस लाइए, क्योंकि आप जो शिक्षक काम कर सकते हैं, पेरेंट्स और सोसाइटी नहीं कर सकती। चरित्र निर्माण का काम सिर्फ और सिर्फ शिक्षक कर सकते हैं। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। पेरेंट्स के रूप में और शिक्षक के रूप में हम उस जगह पर खड़े होते हैं जहाँ पर जो हम शब्द कहते हैं बच्चों पर उनका इम्पैक्ट नहीं होता। हम क्या कर रहे हैं, हमारा आचरण कैसा है और अपने आचरण के जरिए हम बच्चों के सामने किस प्रकार के आदर्श को प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे लगता है ये चीज़ें बच्चों पर लंबे समय तक इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। शिक्षक दिवस, द टर्म यू आर टेलिंग, ऑब्वियसली इट इज द थीम शुड बी द टीचर्स डे एंड ऑन द टीचर्स, राइट? सो डेफिनेटली आवर स्टूडेंट्स आर जस्ट व्हाट पेइंग देयर ग्रैटिट्यूड एक्चुअली टू द टीचर्स, टू देयर टीचर्स एंड टू एवरीवन, हूएवर, बिकॉज़ टीचर्स डज